क्या है पूरा मामला? मेरी बेटी जो है 2016 में गई है स्कूल मेरे पोते को छोड़ने के लिए। वहाँ से जो है ये लल्लन शाहिद हुसैन मेरे बच्ची को किडनैप करवा लिया है। पुलिस वालों को जो है हम बताते रहे, पुलिस वाले हमको देते रहे, पैसा खा खा के उल्लू बनाते रहे। ये शाहिद हुसैन को जो है कभी जो है पकड़ने की कोशिश नहीं किए और इसको जो है पुलिस बचाती रही हमेशा से। हम क्या करें, हम गरीब हैं, हम अपने बच्चों का पेट पालन पोषण करेंगे कि हम जो है इसके चक्कर में कोर्ट कचहरी का चक्कर काटेंगे? ये बिना कुछ किए पूरी ज़िंदगी ख़त्म हो गई हमारी कोर्ट कचहरी काटने के चक्कर में। मेरे बच्चे बच्ची को मार के इसको क्या मिला है? जो कुछ किए सब कुछ किए, उसके बाद मेरी बच्ची को मारने से इसको कुछ मिला हुआ है? क्यों मारा है? मुझसे इससे क्या अदावत थी? और जो कि लल्लन जो है ये चाहता था कि मेरी बच्ची को हत्या करवा के मानेगा, ये कह चुका था थाने के अंदर कि हम हत्या करवाएंगे तुम्हारी बच्ची का। इसने किडनैप करवा दिया। किडनैप करवाने के साथ साथ ये पुलिस हमेशा से बचाती रही इसको। क्यों पुलिस बचा रही है भाई? हम गरीब हैं, इसके लिए वो पैसा वाली पार्टी पैसा खाएंगे पुलिस उससे। हमारी यही विनती थी पुलिस वाले से, पैसा खाते हो पैसा खाते रहो मगर मेरे साथ न्याय करो। पुलिस वाले हमको थाने में बैठा के हमको बताए पूरब है माता जी आपकी बच्ची, पश्चिम है आपकी बच्ची, बस ऐसे रास्ता देखते रहे। इनको बुलावा हुआ लखनऊ में, ये सभाजी दरोगा जी थे, ये गए नहीं, पैरोकार को भेजे थे हमने दो बार लखनऊ। अब क्या हुआ? अब जो है हमको न्याय मिला है। आज जो है शाहिद हुसैन पकड़ा गया। सबसे बड़ा मुजरिम, सबसे बड़ा अपराधी तो यही है और उसके पीछे भी लगे हैं, इतनी लोग लगे हैं छुड़वाने के लिए। कितना पैसा लोगे? मुँह मांगा पैसा दे रहा है कि हम जो है जेल ना जाने पाएँ। तो ऐसा कहाँ का न्याय है कि गरीब की हत्या हो जाए उसको न्याय ना मिले? थाना दारागंज में 16 अप्रैल 2016 को एक लड़की की हत्या कर दी गई थी। उस संबंध में दारागंज में एक क्राइम नंबर 196/16 पंजीकृत किया गया था। उसकी डेड बॉडी हथगवा थाना प्रतापगढ़ में बरामद हुई थी और वहाँ से उसकी अगली कार्रवाई हुई थी। घटना डिटेक्ट दोनों में जुड़ नहीं रही थी। 2020 में जा करके ये मालूम चला कि जो हथगवा में डेड बॉडी बरामद हुई थी और प्रतापगढ़ में उस घटना की विवेचना हुई थी वो इसी घटना से जुड़ी हुई थी। इस घटना का 2020 में अनावरण हुआ था और उसमें 4 अभियुक्त जेल चले गए थे। उसी घटना से संबंधित एक साजिद जो पहले जेल में गया व्यक्ति सलमान का पिता है, ये वांछित था। घटना में डेड बॉडी को फेंकने के लिए इन्हीं की फार्चूनर गाड़ी भी यूज की गई थी। लगातार इनके लिए प्रयास हो रहा था, कोर्ट से NBW भी जारी किया गया था। ये गिरफ्तारी से बच रहे थे, आज वो गिरफ्तार हुए हैं और उनके विरुद्ध वैधानिक कार्रवाई की जा रही है और जेल भेजा जा रहा है उनको। क्या जो फार्चूनर बरामद हुई उसी में फेंका गया था? जो फार्चूनर इनके पजेशन से उस वक्त बरामद हो गई थी, वो फार्चूनर पहले ही बरामद हो चुकी थी, वो उसी गाड़ी से जो इनकी ही थी, साजिद की थी और इनको जानकारी में था। षड्यंत्र के तहत ही हत्या हुई थी, प्री प्लान्ड हत्या थी वो, और उसमें इनकी संलिप्तता पाई गई है और इनको गिरफ्तार करके जेल भेजा गया।